हाय गाइस, जय जगन्नाथ। आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंट डिलीशियस वेज लॉलीपॉप रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। और ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उतना ही डिलीशियस। आइए से बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। यहाँ पर एक टोब में थोड़ी सी पानी लेकर इसे हमें गैस पर रख लेंगे। देखिए, वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैकेट नूडल्स ली, जिसे हम इसे काट कर डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमें थोड़ी सी नमक डाल लेंगे और इसे हमें उबाल लेंगे। जब तक हमारा नूडल्स सॉफ्ट हो जाए, तब तक के लिए इसे हमें उबाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसे हम खोल लेंगे, सारे नूडल्स अलग अलग हो जाएगी। फिर अब हमारा नूडल्स सब तैयार हो चुके, इसे हम चेक करते हैं, बिल्कुल कुक हो चुके। यहाँ पर हमें इसे जाली वाला एक बर्तन लेंगे और नूडल्स छान कर इसे हम ठंडा पानी से धोकर साइड में रख लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हट जाए। फिर हमें एक बड़ा सा थाली लेंगे और दो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटा हुआ करी पत्ता और हमें दो मीडियम साइज प्याज को स्लाइस में काट लेंगे। पतला पतला काट कर इसे डाल लेंगे और साथ में हमें आधा कैप्सिकम और धनिया पत्ता सब यहाँ पर हम लेंगे। मैं आधा कैप्सिकम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट ली और धनिया पत्ता भी बारीक बारीक काट कर ली। अब देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ी सी सौंफ डाल लेंगे और साथ ही साथ हमें दो चुटकी हींग डालकर इसे हम अच्छा से प्रेस करते हुए मिलाएंगे। यहाँ पर हमें भी नमक भी डाली और देख पा रहे, हमें थोड़ी सी इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे ना, सारे चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाए और प्याज से थोड़ी सी पानी यहाँ पर आ जाए। फिर हमें जो बाकी नूडल्स यहाँ पर हमें डाल लेंगे और इसे हम अच्छा से मैच कर लेंगे। देखिए, थोड़ी सी प्रेस करते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे। ताकि सारे जो हम बारीक कटा हुआ चीज़ इसमें डालें ना, सारे अच्छे से घुल मिल जाए। अब यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हमें 4 से 5 टेबल स्पून हमें बेसन डाल लेंगे। बेसन से फ्लेवर भी बढ़िया आता है। और देख पा रहे, यहाँ पर हम सारे चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें कोई पानी, कुछ भी पानी एक ड्रॉप में नहीं डालना है। जो पानी प्याज और नूडल्स में जितना है, उसी से हमारा तैयार होंगे। अब देख पा रहे, हमें इस सारे चीज़ अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी पानी लेकर हाथ से लगाकर इसे हम ऐसे गोल्स एक बल बना लेंगे। फिर हमें एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे, जिसे हम ऐसे लॉलीपॉप सब में डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, थोड़े से प्रेस करते हुए हमें इसे स्टिक से अच्छा से सेट कर लेंगे। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी पानी हाथ से हमें पानी हाथ धोकर इसे हमें अच्छा से प्रेस कर देंगे और हाथ से इसे हमें गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करते हुए इसे हमें सेट कर लेंगे। बिल्कुल आसान से ये बनता है। एक दो बनाने के बाद सारे अपने आप बन जाएगी। फिर देखिए, यहाँ पर हमें एक प्लेट में एक बना कर रेडी कर दी और बाकी जो सारे हमें वही प्रोसेस से तैयार करेंगे। देखिए, स्टिक डालने के बाद इसे हम घुमाते घुमाते हुए इसे हम प्रेस करते हुए इसे
लॉलीपॉप शेप में हमें डाल लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हमारा जो लॉलीपॉप बनता है देख पा रहे, बिल्कुल बढ़िया से हमारे बिल्कुल लॉलीपॉप शेप में बनता है। नॉन वेज लॉलीपॉप जैसे बनता है ना बिल्कुल वैसे ही हम तैयार करेंगे। अब ऐसे स्टिक थोड़ी सी पानी में डुबा लेंगे ना, अच्छा से ये भी सेट हो जाएंगे। अब देखिए इसे हम जब भी थोड़े से हाथ से थोड़ी मुट्ठी बनाते हुए इसे हम प्रेस करते हुए ऐसे घुमाते घुमाते हुए इसे हम सेट कर लेंगे और सारे मिश्रण को हमें वही प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर एक प्लेट में डालकर सारे जितना हम तैयार किए ना सारे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए सारे ट्रांसफ़र करने के बाद वापस हमें थोड़ी थोड़ी कॉर्नफ्लोर इसका ऊपर हमें स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से ना चिपके। और जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे ना एक दूसरे से ना चिपके हुए ये आसान से फ्राई हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें सारे रेडी कर ली और एक कढ़ाई में 1 लीटर करीब हमें ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को अच्छा से गर्म होने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम पर रख कर अब इसे हम एक एक करते हुए डाल लेंगे। हमारा कढ़ाई में जितना पीस यहाँ पर आएगी वो हिसाब से हम डालकर इसे हम फ्राई करेंगे। अब देख पा रहे हैं मीडियम फ्लेम पे इसे हम थोड़े से पलटी कर लेंगे और इसे हम थोड़े गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो लॉलीपॉप अच्छा से फ्राई हो चुकी और बिल्कुल गोल्डन कलर में तैयार हो चुकी और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी भी तैयार हो चुकी। यहाँ पर हमें सारे जितना हमें तले थे ना उसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए बाकी जो हम वही प्रोसेस से सारे तल कर तैयार करेंगे। थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए इसे हम सारे डाल लेंगे और इसे भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करते हुए बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो अच्छे से भी फ्राई हो चुकी बिल्कुल लॉलीपॉप जैसे हमारा तैयार हो चुकी। यहाँ पर हमें सारे वेज लॉलीपॉप निकाल लेंगे। बिल्कुल हमारा जो नॉन वेज लॉलीपॉप जैसे हमें इसे तले और इसे हम गोल्डन ज़्यादा गोल्डन ना करें नहीं तो हम जो आगे क्रीम वगैरह यूज़ करेंगे ना बिल्कुल हमारा जो नॉन वेज लॉलीपॉप जैसे फील होना चाहिए। यहाँ पर हम सारे निकाल लेंगे। और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल इसे हम टिश्यू से डाल देंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगी। आप देख पा रहे इसे ठंडा होने के बाद और एक प्लेट में इसे हमने ट्रांसफ़र कर ली और इसे थोड़े स्वादिष्ट और डिलीशियस बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ क्रीम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम थोड़ी स्पाइस क्रीम थोड़ी व्हाइट सॉस और टमाटो सॉस यहाँ पर हम डाल लेंगे। पहले हम जो रेड वाले हमारा जो स्पाइसी मेयोनीज ना वो हम पहले इसके अच्छा से स्प्रेड करते हुए सारे लॉलीपॉप का ऊपर हमें इसे लगा लेंगे।
अब यहाँ पर हम कुछ नायलन सेव जो बारीक बारीक सेव आता है ना वो अभी हमें डाल लेंगे। यहाँ पर हमें जो मायोनीज लगाया ना इसीलिए हमारा जो नायलन सेव अच्छा से सेट हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर थोड़ी सी टमाटो केचप ऐसे हमें डाल देंगे। आप लोगों को ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो यहाँ पर आप ज़्यादा ग्रीन स्पाइस सस डाल सकते हैं, जो ग्रीन चिली सस। फिर हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी व्हाइट मायोनीज डाल लेंगे जो कि थोड़े अट्रैक्टिव लगे और डिलीशियस लगे। आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है तो डाल सकते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे। और हमें थोड़ी सी ग्रीन सॉस भी डालेंगे ताकि हम जो रेड वाले स्पाइस सॉस भी यूज़ की और इसे हम डालेंगे तो ज़्यादा स्पाइस बन जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर हमें और एक बार टोमेटो केचप ऐसे डाल देंगे। आप लोगों को जैसे पसंद वही हिसाब से डाल लें। आप देख पा रहे हमारा जो इंटरेस्टिंग इंस्टेंट वेज लॉलीपॉप हो चुके हैं अभी रेडी। आप ऐसे बनाकर एंजॉय करें। आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत बहुत पसंद आए होंगे, और आए होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाले और बच्चे लोग का तो फेवरेट बन जाएगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।